गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार व्लॉग में, इस धमाकेदार गर्मी में। हालांकि हल्के हल्के बादल हैं पर गर्मी तो हो रखी है, और कल से तो लू भी चल रही थी भाई साहब। अब मैं रोज़ ऑफिस जाता हूं तो मुझे महसूस हो जाता है कि किस तरह का मौसम हो चुका है। लू चलना स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की। खैर, आज संडे है भाई, तो आपको पता है जिस दिन छुट्टी होती है तो उसी दिन हम थोड़ा बाहर निकल पाते हैं। तो आज भी हमने एक प्लान बनाया था, हम जा रहे हैं कहीं ऐसी लोकेशन में। वो बॉडीज आते हुए हेलमेट वेलमेट डालते हुए पूरा कानून का पालन करते हुए। तो भाई अभी हम बोलने ही वाले थे तो उससे पहले ये आ गए, इनकी बड़ी लंबी उम्र है दोनों की। ये भी आ गए भाई साहब, ये भी आ गए, और बाकी एक पीछे बैठी मेरे। ठीक है, हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे। अभी तो सबसे पहले हमें पेट्रोल डलवाना है, सीधे पेट्रोल पंप पे चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। और जहाँ जाना है दोस्तों, हमें पता नहीं, हम पहले कभी गए नहीं है, सब कुछ नया नया है, तो जहाँ पे भी जा रहे हैं आपको रास्ते में बता देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं। ठीक है, तो भाई अब हम निकल पड़े हैं सफ़र की ओर। भाई नीचे से जाना, नीचे से ओए नीचे से जाना, नीचे से। हाँ, नीचे से तेल वेल डलवाना पड़ेगा ना। डलवा लिया चलो कोई बात नहीं, हमने नहीं डलवाया, हमें तो डलवाना पड़ेगा। ओ भाई, इधर तो मूवी की शूटिंग चल रही है, देख रहे हो आप? कैमरामैन देखो हमारे, यूएसए से इंपोर्टेड है। देख रहे हो डायरेक्टर, खतरनाक डायरेक्शन चल रही है। जस्ट पेट्रोल भरवाया गाइस। अभी हम आपको बताएंगे जहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली एक वो जगह है, हमें कुछ दिन पहले डिस्कवर की है, वो भी इंटरनेट के ऊपर। हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर में ही इतनी खूबसूरत जगह है, और हमें पता ही नहीं है, हैं? और अब जाके पता चला है। ओ भाई, धुआं निकाल दिया भाई, क्या बात है। ओ भाई, बस वाले क्या कर रहा है, ये कर के आ रही है, इसकी मती मारी गई है। तो गाइस फाइनली हम जो है हाईवे पे आ चुके हैं, और अब यहीं से हमारा जो सफर शुरू होता है उस लोकेशन की तरफ जहां हमको जाने का है, और वहां पर जाके हमको नहाने का है। अब आप सोच रहे हो ये कौन सी जगह की बात कर रहा है, पर अब हम क्या ही बताएं, यहाँ नहीं बता सकते। आई कांट रिवील दैट लोकेशन राइट नाउ, आई वॉन्ट टू बी देयर फर्स्ट, देन आई विल टेल यू विच लोकेशन इज दैट। ओके, पहले बता दे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, मुझे उस प्लेस की जानकारी है ना किसी और को। जस्ट डिस्कवर्ड दैट प्लेस एंड वी आर गोइंग टू देयर। इतनी सारी इंग्लिश, ओ माई गॉड, लगता है आज ही निकल जाएगी। गाइस, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स खतरनाक डायरेक्शन करते हुए साथ में चल रहे हैं, बेहतरीन डायरेक्शन। जल्दी ये मूवी थिएटर्स में आएगी आपके, ऐसा कैमरा मैन आपको कहीं नहीं मिलेगा। देख रहे हो आप कलाकारी, नहीं तो स्पेस ही फुल हो जाए। वाह, क्या डायरेक्शन है, डायरेक्टर खतरनाक है भाई साहब। लगता सारी शूटिंग इधर ही कर देगा आज। S23 अल्ट्रा में बनते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खींच रहा है भाई, क्या बात है। मजा आ गया, आगे नाका भी होगा। ओ भाई यार, आगे पुल के आगे। शराफत से निकलने के इधर। उस सारे ने ऐसे किया था उस दिन यहाँ पे। देख रहे बना रहा है, क्या बना रहा है। इस साइड से
करते हुए हार गए ये रेस तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। अबे किधर जा रहा है यार, चक्कर भाई सातवें आसमान में पहुंच गई थी ये तो। कैरी में जिंदा नहीं बचेगी आज। आज आज इसका असली टेस्ट हो गया भाई साहब। ये तो तीसरे गियर में उड़ गई थी। हैं गाइस, देखा आपने जब यहाँ पे ये जैसे तीसरे गेयर पे मैंने पहुँचाई और एकदम से इसका ये VVA मोड जो है ऑन हो गया, और उसके बाद जो हुआ आपने देखा। मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन आज ट्राई हो गया भाई साहब, बहुत ही खतरनाक धुआंधार परफॉर्मेंस रीस में, अभी मज़ा ही आ गया। ये तो हवाओं से बातें कर रही थी। ओहो, देख सकते हैं आप क्या ही नज़ारा है दोस्तों। देख रहे हो देखो, ओहो क्या ही नज़ारा है। वाह 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 वाह, आज कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे, क्या हो गया, छुट्टी पे आज? हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत रश होता है, सनसेट देखने के लिए आते हैं लोग और यहाँ फोटो वगैरह भी खिंचाते हैं, लेकिन आज दिख नहीं रहा कोई, लगता है छुट्टी पे हैं सब। वाह, यहाँ पे शूटिंग चलते हुए जैसे कि देख सकते हैं। बना। गाइस हम इनकी वीडियो बना रहे हैं, आप से मिलते हैं हम आगे। तो गाइस जस्ट क्रॉस द टोल प्लाजा एंड नाउ वी आर मूविंग हेड टू द टनल्स, द नंदनी टनल्स आपके सामने, जैसे कि देख सकते हैं आप तीन चार टनल किट्ठे आएंगे आगे और इनको क्रॉस करते हुए हम बढ़ेंगे आगे और पहुँचेंगे फटाफट से उस लोकेशन पर जहाँ हमें जाना का सोचा हुआ है, और जो भी होगा वहाँ पे आपको बता देंगे हम, ठीक है? आप बस ब्लॉग में बने रहें और जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक ठोक दें फटाफट से, कमेंट भी करें, शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब तो करना। चलिए पहला टनल हम प्रवेश करते हुए, और गुप्त अंधेरा यहाँ पे, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये क्या कर रही है बेटा, इसको चैनल के अंदर श्री राम याद आ रहे हैं भाई साहब। अभी सिर्फ हमने जो है एक टनल क्रॉस किया, एक सामने वो देख रहे, एक और वो सामने रहा, काफ़ी अंधेरा था, बीच में लाइटें बंद करके रखी इन्होंने पता नहीं क्यों। अब जो भी दिखेगा बाइक की लाइट जो होगी उसी से देखना पड़ेगा, और काफ़ी अंधेरा। ये क्या था? अच्छा ऐसी बात है, हम भी करेंगे आगे जाके, अभी आगे जाके, आगे बड़े वाले टनल में इस वाले में, ये आ गया लाइट वाला टनल। क्या बात है, देखिए आपने एग्जॉस्ट की पावर, एक बार फिर से क्या बात है, क्या हो रहा है ये यहाँ पे? मैं
अरे करना आगे आगे वाले में करते ये कैरी ऐसे ऐसे करो मैं करूँ तो ये था हमारा पूरा टनल गूंज गया मैं आखिरी बार करते हुए अब ओ लाइट जल गई गाइस देखिए हम कहाँ पहुंचे जस्ट टनल क्रॉस की ओर देखे सामने नजारा हो सामने माँ वैष्णो देवी का भव्य दर्शन कर लीजिए आप भी यहाँ से सामने माँ वैष्णो देवी का त्रिकुटा हिल्स और देख सकते हैं आप आज थोड़े थोड़े से बादल हल्के हल्के लेकिन सामने माँ का दरबार हमारी आंखों के सामने ही यहीं से हम उनको प्रणाम करते हैं जय माता दी ये नहीं है भाई ये वाली चीज नहीं हमारे पास हाँ अगर लाइट है इसका लाइट ही निकल जाएगी ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हुए वाह क्या फूल लगे हैं वाह वाह पिंक पिंक कलर के देख रहे हो गाइस क्या मस्त रोड है लेकिन जहाँ जाना वो उससे भी ज़्यादा मस्त है हम नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं और आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया जगह लाते रहते हैं ठीक है ये नहीं पास वाला कौन सा है पास वाला रास्ता कौन सा है पास वाला देख ले वो आगे से वो सही है एक तो जो नीचे से जाता है ना एक और भी आ गया वो आगे से बाईस किलोमीटर यहाँ से ये जो यहाँ से नीचे वाला हॉस्पिटल वाला ना वो 20 किलोमीटर है बाकी ये वाला 25 किलोमीटर 20 वाला पास है फिर तो 20 वाला चलो 20 को लॉक कर दो क्या लिखा है 20 वाला ये भी मोड़ वाला ही है देवी पिंडी ट्रैक वो देवी पिंडी आगे अरे लेना एक ही दिखा आगे ट्रैक खुद ही करना अभी पता क्या है ये रास्ता ना हमको यहाँ से जाना ये यहाँ से दिखा रहा है ये तो वो दिखा रहा हूँ जो सबसे पास है अरे रास्ता एक ही दिखा जाता है चलो और तेज चलने के लिए काट देगा मैं भाई मोड़ तो बहुत बड़े हैं इधर लंबा मोड़ पहुंचने वाले हैं फिर नहीं 16 तो उधर है ना जहाँ चल रहा है बहुत अलग से वो अलग है और तो क्या वहाँ थोड़ी बाइक जाएगी नहीं वहाँ तो पैदल ही जाना है लेकिन वो तो तीन ही है पता नहीं तीन है या चार है पैदल कितने वाला है पैदल कितने किलोमीटर है दो पैदल
दो तीन अच्छा पूरा दिखा रहा है जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे। वाह 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 क्या बात है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल एक ही जगह पे और ये खूबसूरत सी रोड और सामने माता का भवन एकदम करीब और आता जा रहा है। इस वक्त हम रियासी में एंटर हो चुके हैं और इन्हीं किसी एक पहाड़ी में है इन्हीं में से पता नहीं कौन सी है लेकिन इसी यहीं पे कहीं वो लोकेशन है और इन्हीं में से हम ढूंढ के निकालेंगे वो जगह आपके लिए क्योंकि हमारा ही फर्स्ट टाइम है। आपने मैं भी शायद देखी हो पहले यूट्यूब के ऊपर लेकिन मैंने नहीं देखी थी। ये है जी हॉस्पिटल यहाँ से अंदर पर हमें यहाँ नहीं जाना है हमें यहीं से निकलना है ज़्यादा दूर नहीं रहा बस 10-12 किलोमीटर है बाकी का रास्ता हमें पैदल सफ़र तय करना पड़ेगा वहाँ से क्योंकि वहाँ आगे बाइक नहीं जा सकती है क्योंकि वो थोड़ा हिली एरिया है और रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा भी है मतलब बाइक के लिए सही नहीं है चलने के लिए हम चल सकते हैं लेकिन लोकेशन जो है ज़बरदस्त है। यहाँ से कितना बड़ा बड़ा दिख रहा भाई साहब पर्वत हो देखिए सामने क्या नज़ारा है। अभी हम पहुँचे नहीं हैं बस रूट लेकिन ये वही है रास्ता जो सर जाता है। खैर हमें कटरा वाली साइड नहीं जाना लेकिन हमें कटरा से पहले ही है वो 15 किलोमीटर पहले पर रूट जो है कटरा वाला ही है वैसे लेकिन जाना वहाँ नहीं है। देखा ओहो हो अरे गाइस ये याद आया आपको जब हम कटरा से आ रहे थे यही वो पटरी है सावधान ओए आगे सावधान लिखा है आ रही है ट्रेन क्या ट्रेन आ रही है बर्नआउट मार रहा बंदा बजरी के साथ गाइस 25,000 वोल्ट का झटका लग सकता है इधर देख रहे हो यहीं से ट्रेन आती है वो गाइस जी यही है वो जब हम वापस आए थे यही रूट है वो वाह लेकिन रास्ता खाली अभी कोई ट्रेन नहीं अभी क्या तेरी ये बीच में से खींचा ना अच्छा अच्छा सही है ये देख रहे हो चश्मा लगा के इम्पोर्टेड वो तो खटर मैंने देखा ही नहीं गत में चला जाता गत हो जाती इधर गाइस गाइस यही है हमारे डायरेक्टर जो बीच बीच में आपको दिख रहे थे यू एंगल बनाते हुए ये यूएसए से डिप्लोमा लेके आए थे इसका डायरेक्शन वाला आपको पता है मैंने बहुत सारी मूवीज बनाई है उनमें से रोहित शेट्टी बाद में आया था पहले यही आया था इंसान इसी से सीखे वो हाँ इतना बड़ा बन चुका है कट सॉरी थोड़ा मजाक कर रहे थे रोहित शेट्टी जी भी बुरा ना मानिएगा जस्ट प्रैंक लेकिन ये रोहित शेट्टी तो नहीं है लेकिन अपनी जगह पर ये भी शेट्टी एक ये अच्छे अच्छों की शेट्टी लगा देता है बिली मैंने मारी नहीं वो तो था टायर फाड़ देते अपना वो तो टायर फाड़ देते अपन भी बनाएगा इधर से कैमरा मैन बाद में अपन भी बनाएगा अरे बाद में उधर से आते वक्त उधर से अच्छा ऊपर से आऊँ ओके चलिए जरा हम भी थोड़ा सिनेमैटिक कर रहे
सारा बाइक वाला आके मार गया। चलो कोई बात नहीं, कट बच गया, लेकिन कट तो बच गया। अबे बाइक में फैन चल रहा, लगता गर्म हो गया। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हुए और वो कार्यक्रम ख़त्म करते हुए अब बढ़ रहे हैं हम आगे। 8 किलोमीटर रह गए यहाँ से, और माता के दिव्य दर्शन भी कर लो अब यहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ तो जाना नहीं है। वहाँ होके आए हम, पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, अगर देखा है तो। आज हम जा रहे हैं नहाने के लिए, 50 किलोमीटर दूर घर से हम नहाने के लिए आए हैं। देख रहे हो पागलपंती हमारी, लेकिन नहाने का बहाना ही है, हमें एक्चुअली वो लोकेशन पर जाना था। माई गॉड, गाइस बतख थी ऐसे आ ऊ आ करती हुई। ये एक्चुअली हमें रास्ता बता रही थी, कह रही सही रास्ते जा रहे हो। इसने पूछा रास्ता किधर है, वो ऐसे मुड्डी करती कहती आ ऊ आ। यार टोकर टोकर क्या होता गाइस? एक्चुअली अपनी भाषा में बोली टोकर, यानी वैसे अपने मुंह से क्या बोलता है यार उसको, चोंच मार सकती है उसको, ये टोकर बोलती है। अभी इसकी टोकरो टोकर हो जाती। गाइस लगता हम बहुत ही करीब है, क्योंकि मुझे वो एहसास हो रहा है ठंडी 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 हवा का, और मुझे ऐसा लग रहा है वो जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है ना, इसी के अंदर जाना है हमें, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही है, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी यहाँ पर जो गया हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है उसके साथ ही, मुझे ऐसा लग रहा है यही है। तो इसका मतलब बिल्कुल करीब ही रह गया, बस पहुँचने वाले हम। लेकिन वो रास्ता हमें आधा पैदल तय करना है, बाइक हम जहाँ तक ले सकते हैं वहाँ तक ले जाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे रास्ते में। तो बढ़ते हैं इसी तरफ, देखते हैं शायद यही होगा रास्ता, बाकी कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो जाके ही पता चलेगा। ओ भाई ये कहाँ घुस गए? ये तो जंगल में आ गए भाई साहब। हम तो भाई गूगल के भरोसे चल रहे हैं, अब गूगल ही ले जाएगा हमें, लेकिन रास्ता ऐसा है देख लो अब, और शायद यही है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है वो वाइब। देवी पिंडी यही रास्ता है, यही है। हाँ भाई यही है, अंकल जी ने बोला यही है, यही है, यही है। वाह भाई वाह। इतना पिद्दू सा रास्ता। अब कहाँ तक जाएगी बाइक ये पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक जाएगी ले जाएंगे, लेकिन रास्ता यही है भाई। तो भाई ये है जी वो लोकेशन, ठीक है, और ये है वो रास्ता, देख सकते हो, देवी पिंडियां ट्रैक, कुनिया सरपतियां कोरा देवी पिंडियां। ये पूरा नाम है यहाँ का, और ये रास्ता, इसी रास्ते से हमें पैदल सफ़र तय कर रहा है, और कितने किलोमीटर ये तो आप आगे पता चलेगा आपको, फिलहाल अभी हम इसी रास्ते से चल रहे हैं, बाइक हमने लगा दी यहाँ पे, और अब निकलते हैं पैदल हम सब यहाँ से, ठीक है। चलो आपको मिलते हैं रास्ते में अब।